आप सभी जहां पर भी है वहीं रहकर क्रूस की रास्ता में भाग लेंगे। केवल क्रूस धारक और कैंडल बेयरर्स क्रूस की रास्ते पर चलते रहेंगे, बाकी सभी अपने अपने जगह पर होकर ही प्रार्थना में भाग लेंगे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ी की शोकमय यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो वे। हे प्रभु हम पर दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सम्मुख पिलातुस है यीशु, सूली तो चिल्लाती है जनता, बिनकी पापों का बोझ उड़ाने होते हैं तैयार मुक्ति दाता। कायर पिला तो उसकी कुछ ना चली, होकर परेशान वो चुप गया, पापों से हरदम जो दूर रहा उसको सुना दी मौत की सजा, उसको सुना दी मौत की सजा। प्यारे यीशु प्यारे यीशु अब तो स्थान यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया।
सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राण दंड की आज्ञा देते हैं। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राण दंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य बलों के द्वारा, जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ, उसमें मुझे सहायता दे। हम प्रार्थना करें। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊँ, पर तुझे सदा प्यार करूँ। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियो में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और कल तक सदा रहेगी, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस डोते डोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना प्राण और मरण चढ़ाया। हम प्रार्थना करें। हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य बलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस डोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे, अब है और कल तक सदा सदा रहेगी, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। Oh,
तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोटों की मार से लहूलुहान हो गया था, उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना दुर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे, तिस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधों पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। हम प्रार्थना करें कि यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य बलों के द्वारा मुझे आत्ममारु पापों में गिरने से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आ गए। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। मरियम की आंखों का तारा था, लाड लता वो दुलारा स्थान, यीशु और उनकी दुखी मां की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और मां की भेंट हुई, उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। हम प्रार्थना करें हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तूने इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरी पवित्र मां के प्रति सच्ची भक्ति ढाल दे, और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र के दुख भोग की याद करूं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। सूली उठवाते हैं,
पांचवां स्थान सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते में ही ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूँगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया। मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सूरज से चेहरे पर लाली मां दिव्य प्रतापी प्रभु महिमा छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुँचती है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल पर चप गया। हम प्रार्थना करें। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी
पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है और अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर। हे यीशु, हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और आंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। हम प्रार्थना करें, हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा करने के पुण्य बलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दिशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सबको सब सुख भरने वाला पीता है वो दुख का प्याला। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हे स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी, पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने संतानों के लिए रो। हम प्रार्थना करें। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। स्थान यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, तिस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। हम प्रार्थना करें। हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य बलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ी के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से अनंत जीवन प्राप्त करें। कर दे निर्वसन
दासी प्रभु दा दीचते प्यारे यीशु प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा प्यारे यीशु प्यारे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा अब तो गुनाहों से तौबा। दसवां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल ये हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। हम प्रार्थना करें, हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे ये कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सूर्य का जिसने बार सा सूली पटांगे हे मसीहा बलि में बने ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर टोंगे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वो अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर टोकते हैं, फिर क्रूस को कड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। हम प्रार्थना करें, हे निंदा से लते हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। Ah.
सूरज काला पड़ने लगा, बादल घनघोर उमड़ने लगा, तूफान आदि और जल भी त्यागते है ना अपना शरीर, त्यागते है ना अपना शरीर। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मरे हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने प्राणों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य बलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पावों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। ममता की आंचली जो पला निश्चल निष्प्राण है वो बड़ा बेजान बेटे को देख दीवाना, किसको सुनाए अपना दुखड़ा। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे 2 चेले यूसुफ और निकोदेमुस यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अतकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। हम प्रार्थना करें। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर, और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि तेरे सिवा मैं किसी को अधिक नहीं चाहता।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस चढ़ा पापों से जिसने मुक्त किया, ऐसे प्रेमी प्रभु की मृतदेह दफनाए चले बहने। चौदवा स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों में कब्र को टेक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहाँ से बड़े दुख में चले जाते हैं। हम प्रार्थना करें, हे यीशु, मैं तेरे कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस बांधे मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं सारे हृदय से पछता हूं कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हमसे प्रभु ने प्रेम किया, सर्वस्व अपना अर्पित किया, मृत्युंजय बन हमको बचाने प्रभु ने कितना कष्ट सहा। आ, 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 आ।
क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु येसु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए, उनके द्वारा मुझे अपने दास को जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया सहायता दे। हे येसु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया, मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे। आमीन। सदपापा के मतलबों के लिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे, अब और कदा सदा रहेगी आमीन। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा, मुझे बचा लिया।